लिसन द साउंड. हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग. तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ छत से. हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तो मैं बंकू और मम्मी आ गए हैं मौसम का मज़ा लेने. तो मैंने कहा थोड़ा आप लोग को भी दिखा देती हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग सुबह सो रहे हो तो देख ना पाए हो. तो ये देखिए आसमान प्यारा सा, और ये देखिए मेरा प्यारा सा बंकू शैतानी करते हुए, और ये प्यारे से हम लोग. नहीं मारो, नहीं मारो, दादी से पप्पल लेके मारो, दादी से. अगर आप लोगों को अपने घर में चीटे कॉकरोच कुछ भी, मतलब पेस्ट कंट्रोल वाला कुछ भी करवाना है, तो आप लोग बंकू से कांटेक्ट कर सकते हैं. बंकू सिर्फ और सिर्फ एक चप्पल से आता है लेके और मारता है उन लोगों को चप्पल से. पंकु गुस्सा हो गया. तो आज के नाश्ते में बन रहा है ये, और ये रहा कढ़ाई में. कमेंट करके बताओ ये क्या है. बारिश में तुलसी जी ने ग्रोथ पकड़ ली है, लेकिन ये गुलाब की तो शर्म ही नहीं आ रही है. नहीं कि एक आधे फूल निकाल ही दे, काला हुआ जा रहा है. ये है पत्थर चट्टा ना, ये चतर पट्टा, ये वो है चतर पट्टा की पत्थर चट्टा. पत्थर चट्टा, ये बेल निकली है, ये वो है बेल. बेल आगे बेल पीछे केला. ए देखिए पानी खेलने पहुंच गया. और ये गुड़हल का पेड़ भी बड़ा बेशरम है, एक को फूल ही नहीं देता है. चला रहे हैं किसी तरह. सुन लो गुड़हल, नहीं तो अभी निकाल बाहर करेंगे. ये हम लोग के घर के पीछे का व्यू है. पहले तो जब मैं घर में आई थी तब मैं पराठे नहीं खाती थी, तब सबके पराठे बन जाते थे. लास्ट में मैं कहती थी मेरी रोटी बेल दीजिए, अपने लिए रोटी सेकती थी. लेकिन अब मैं भी खाने लगी हूँ, रंग में रंग चुकी हूँ इस घर में आने के बाद. सीरियस डिस्कशन अबाउट शॉपिंग कि कौन सा ऑर्डर करें कौन सा नहीं. देव ले लो, मार मार के ले लो. अच्छा पुच्ची दे दो तब देंगी. पुच्ची दे दो, पुच्ची बॉडी बिल्डर. क्या हो रहा है लाइजोल के पानी से, क्या हो रहा है? हाँ नाश्ता हो रहा है रोज की तरह. और बंकू जो है जा के गुड़ ढूंढ रहे हैं बार बार, जो कि वहाँ पे रखा ही नहीं है. अपने बाबा की तरह, क्योंकि अनुपमा में जीके और अनुष्का जैसे जोड़ी है, ऐसे इन दोनों की भी है. हाँ. और ये दोनों ये रात में गुड़ खाते हैं, ये खुलेआम करते हैं. तो गाइज मेरा भी नाश्ता हो चुका है और मैं जा रही हूँ ड्यूटी इन लोगों को छोड़ के. गाइज एक खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि जो मेरे सेंटर की चाबी खो गई थी वो मुझे मिल गई है. क्योंकि वो जो यहाँ पे आती हैं सफाई करने, उन्हीं के पास थी. मैंने उनको फ़ोन किया कि सर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की. उनका पुराना नंबर बंद था क्योंकि ऑन हो चुका था. मैंने उसको फ़ोन किया तो पता चला कि हाँ चाबी उन्हीं के पास है. फिर वो आई, उन्होंने मुझे चाबी दे दी. कॉल सॉर्टेड. तो गाइस मैं सोच रही थी आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर दूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, फिर बाद में देखिएगा. पहले लाइक करिए, और चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दीजिए. अब वीडियो को कंटिन्यू करिए. भैया चुप नहीं होगा वो, तुमसे तो जरूर चुप हो जाएगा. डॉगी को चुप करा रहे हो? बंकू दादी की याद हो? ए बंकू दादी को की याद हो? ए लबरू हमको खिला दो. टूट नहीं रहा है, टूट नहीं हो रहा है. मम्मा को खिला दो. उनको तो खाना आता है. ओ वाओ मैं कब से ढूंढ रही थी. तुम चल, क्या बदतमीजी कर रहे हो बक्से के अंदर घुस के? हैं ये सामान खोलने के लिए किसने कहा? तुमको अलमारी क्यों खोल रहे हो? पक्का बनाओगी कहाँ खाना? आप लोग मुझे प्लेट आके दे. नहीं नहीं खाना इस घर में बन के उस घर में नहीं जाएगा. हम लोग दो चूल्हे नहीं कर सकते. नहीं तो मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं आप लोगों को पैसे भी दूंगी हर प्लेट पे 10 रुपए. अच्छा ठीक है, बात की बात है. बंकू बंद करो, क्यों अलमारी दिखा रहे हो?
अच्छा, और बंकू? बंकू बंकू जब मन करेगा मेरे घर में आ सकता है, जब मन करेगा अपने घर में भी जा सकता है। उसके लिए छूट है पर आपके लिए नहीं छूट है। आप आएंगे तो मेरा ये प्यारा सा घर टूट जाएगा। तुम्हारे आने से नहीं टूटा, हमारे आने से टूट जाएगा। हाँ जब दो लोग। अरे बंकू इतनी ताकत ना लगाओ भैया, तुम नहीं कर पाओगे। बहनों अगर आप ये सोचो कि आप किचन में जाओगे और 5 मिनट के अंदर कोई काम निपटा के चले आओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किचन एक ऐसा चक्रव्यूह है जहाँ इंसान घुसता है तो फंसता ही चला जाता है। एक काम करने जाता है 10 काम याद आते हैं। मम्मी आप एग्री होती कि नहीं? किचन एक ऐसा चक्रव्यूह है, वहाँ फंसो सुबह में फंसते हैं तो फिर आखिरी तक दम नहीं लगता, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ। और हमने सोचा था कि हम चाय चढ़ा के, पंखा बंद नहीं किए थे, हम सोचे चाय चढ़ा के जाके लेट जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, चाय चढ़ाना है निकलो दूध चढ़ा जाते हैं, दूध चढ़ा तो निकलो दाल चावल भिगो देते हैं, वो भिगोए तो निकलो आटा सान लेते हैं, वो हुआ तो निकलो बर्तन धुल के दाल चढ़ा देते हैं। तो इस चक्कर में हम फंसते ही जा रहे हैं। अब लेटेंगे क्या? लेटेंगे क्या? अभी 6 बजे लेटा नहीं जाता, पागल हो गया क्या? नहीं उंगली जल गई। ये मजेदार था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अपनी माँ का लल्ला, छोटा लल्ला चाय पी रहा है, बड़ा लल्ला चाय पी रहा है, छोटा लल्ला वो खड़ा है। के पास कोई काम ना, वो कोशिका की तरह आधा किलो अखरोट फोड़ के पन्नी में बैठ जाए और ऐसे खोद खोद के निकालता रहे। फालतू लोगों की यही निशानी है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। कैसे, क्या कर रहे हो? आटा गूंथ रहे हो क्या बंकू? हमारे बचपन में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिलती थी, या फिर मिलती होंगी, हम लोग कभी मिली नहीं होंगी। पंचायत हो रही है यहाँ पे बड़े सीरियस टॉपिक पे। तो गाइस मैं तो चली सोने, लेकिन जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट। Bye!